mert akkor is ennem van. Nitsatev, Swami ji ke charno mein mera koti se naman. Mancha Sen, sabhi santon ke charno mein mera koti se naman. Upasthit Devi aur Sajan. Gurudev ne bahut spashtata se Ram Rajya Parishad ka uddesh वर्तमान में उसकी जरूरत के ऊपर हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया है. बहुत स्पष्टता से हम सब लोगों के समझ में आया है कि रामराज्य परिषद की आवश्यकता अब क्यों है. गुरुदेव ने हिरण्यकश्यप से लेके और अभी तक का बहुत विस्तार से उल्लेख किया. तो मैं समझता हूं कि राम राज्य परिषद के जो यहां कार्यकर्ता बैठे हैं उनको विषय बहुत स्पष्ट हो गया होगा, उनके कोई शंका वाला मामला नहीं बचा. अभी पूरे देश में जो शासन तंत्र है आजादी के बाद से लेकर और अभी तक, जो लोग इस बात के जानकार हैं कि ये शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, हमारे बीच में पूर्व एमपी पांडे जी भी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष संसद में जाकर देखा है, पूर्व अधिकारी भी हैं उनको भी बहुत अनुभव है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था से जुड़े रहे, लेकिन सब में बहुत विकृति है. अगर किसी एक सीधे साधे ठीक ठाक इंसान को कहो तो उसकी अपेक्षा होता है कि या तो मैं बड़ा राजनेता बन जाऊं या कोई आईएएस बन जाऊं सेक्रेटरी बन जाऊं, लेकिन उतना बनने के बाद अगर वो आदमी व्यक्ति मन से शुद्ध है तो उससे अगर आप ये पूछोगे तो क्या आप संतुष्ट हुए, तो उसका जवाब होगा कि मन में अकुलाहट है, बेचैनी है, मैं जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया. तो ये जो पूरा व्यवस्था का तंत्र है वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि इसमें अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी जाके उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो सकती. उसको शांति से वो ये नहीं कह सकता कि जो मैं अमुक काम करने इस शासन तंत्र में गया था या प्रशासन में गया था या न्याय व्यवस्था के अधीन गया था मैं अपने मन का काम कर पाया. गुरुदेव ने जो संविधान का उल्लेख किया कि वो देह मात्र है उसमें से आत्मा गायब है. आत्मा हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसमें बसती है, जो सांस्कृतिक ताना बाना है उसमें रहती है. आज जो आर्थिक तंत्र है, जो आर्थिक पक्ष है, वो जो अर्थ कमाने का जो जरिया है उस वही इतना विकृत है कि अर्थ अनर्थ के रूप में हमारे अंदर जा रहा है. तो जो पैसा कमाने का तरीका जब उस तरह का है तो अंदर से कैसे शांति आ सकती है. क्योंकि संविधान का सब जो ताना बाना है वो उसी तरह से विकृत है. अगर आज हम संविधान को बदलने की बात कहें तो आज देश में इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हो सकता है कि वो आपसे संभाले नहीं समझे, किसी शासन तंत्र से संभाले नहीं समझेगा. संविधान का बदलने का नाम आप दे दो. तो गुरुदेव ने जो कहा है कि आगे की व्यवस्था हम कैसे करें कि बिना चुनाव लड़े बिना उस प्रक्रिया में जाए पूरे समाज का मानस कैसे हम बदलें, तो उसमें जो मुझे लगता है कि विचार ही एक ऐसा हथियार हमारे पास है कि जब लेके हम उसको जाएंगे विचारों में अगर परिवर्तन कर पाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव देश में हो सकता है. और विचार के लिए हमको करना पड़ेगा गुरुदेव का जो मार्गदर्शन है उसकी जो सब लोगों की स्पष्टता है. हम एक एक विषय को लेके संगोष्ठियों के माध्यम से जनता के बीच में जाना, संगोष्ठी कराना,
लेकिन उससे पहले का जो क्रम है वो है उस संगठन की रचना, उस संगठन का एक तंत्र विकसित करना जो उस काम को नीचे विधिवत व्यवस्था दे सके। तो हम लोगों की जो वृंदावन बैठक हुई थी उसमें भी एक मोटा मोटी रूपरेखा बन रही थी, उस तरफ ही हम लोग बढ़ रहे हैं कि पूरे प्रांतों में संगठन की संरचना कैसे हो, पांच पांच लोगों से शुरू करके हम जिले में पांच पांच लोग भी खड़ा करने में अगर सक्षम हो गए तो मैं समझता हूं कि हमारा ये काम बहुत अच्छे से हो सकता है। देवेन जी हमारे बीच में है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, संगठन की रुचि वाले व्यक्ति हैं। देवेन जी जैसे और ऐसे लोग जिनको संगठन का बेसिक पता है, लोग बहुत अच्छे होते, ऐसा नहीं है कि लोग कहीं गड़बड़ हो, बहुत अच्छे लोग भी हों अगर संगठन की रचना योजना में उनकी सिद्धता नहीं है तो जो अपेक्षित परिणाम हम चाहते हैं वो परिणाम नहीं आने वाला। इसलिए सूझबूझ संपन्न संगठन की संरचना बनाने में जो निपुण लोग हैं उनका संचय अगर हम करके और इसको हम ये करें कि एक साल का समय तय करें कि क्रमबद्ध तरीके से समयबद्ध तरीके से हमको इसको कैसे आगे बढ़ना है, तो संगठन की रचना चलते रहे और जितना वर्तमान में हमारे पास अच्छे लोगों का संचय है उसके माध्यम से हम लोग संगोष्ठियां कराते रहें, तो मैं समझता हूं कि विचार परिवर्तन पहले फेज में हम ये कर सकते हैं कि विचार परिवर्तन की बयार बहे देश लोगों को समझ में आए। आज तो राजनीतिक जो वातावरण है उसमें तो हम सब लोग जानते ही हैं कि जैसे भैंस का दूध निकालना होता है, जब चुनाव आते हैं तो जनता का वही हाल है, हम एक मुद्दा उछाल देते हैं जो हमारी भावनाओं को छूता, जिसके आवेश में आके हम वोट डाल गया और वोट डाला हमारा काम खत्म हो गया, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पांच साल तक हम बैठ के इंतजार करते रहेंगे या शासन तंत्र को उल्टा सीधा कहते रहेंगे कि अमुक काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसके अलावा हमारे पास कोई। लेकिन उस वक्त एक दो तीन महीने का माहौल ऐसा बन जाता है कि हम उसमें बह जाते, विचारशील लोगों का उस समाज में बहुत कम प्रभाव है। तो उस प्रभाव को बढ़ाना, उस विचार को बढ़ाना कि चुनाव कभी भी आए लेकिन जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो आर्थिक पक्ष के विषय हों, देश में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, गोरक्षा का मुद्दा हो, कृषि का मुद्दा हो, देश में छोटे छोटे काम करने वाले जो दुकानदार हैं, जो वाणिज्य के काम में लगे हैं उनका मुद्दा हो, कारीगरों का मुद्दा हो, दस्तकारों का मुद्दा हो, हर विषय पे जो लोग हैं और जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। चंद कंपनियों के हाथों में पूरे देश की सत्ता और आर्थिक पक्ष जो है वो सिमटता जा रहा है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिलेगा, कृषि व्यवस्था अन्न का जो स्रोत है, जिस तरह से गुरुदेव हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, और जो अन्न का स्रोत है वो कितना विकृत हो चुका है कि उसको खाने के बाद तमाम लोग बीमारी की चपेट में हैं, मानसिक भी बीमारी है उनको, शारीरिक भी बीमारी है और बाकी तो गुरुदेव बताते ही। तो ये जो व्यवस्था वाला मामला है इसको हम ठीक कर पाएंगे, तो पहला मेरा सुझाव इसमें तो यही है कि विचार के माध्यम से हम पहले फेज में विचार के माध्यम से संगोष्ठियां करा के और उसको आगे बढ़ाएं और साथ साथ संगठन की रचना को गढ़ते हुए चलें, क्योंकि समय का कम अभाव है, समय कम है हमारे पास, तो जितना समय है संगठन बनाते चलें और जो बन गया है उसके माध्यम से आगे हम काम करते चले। और गुरुदेव जो कृषि के ऊपर जो ग्रंथ गुरुदेव लिख रहे हैं, मेरी इच्छा है कि गुरुदेव का ग्रंथ पूरा होने के बाद
उसका विमोचन हम दिल्ली में कराएं कहीं अच्छी जगह, और उसमें कृषि वैज्ञानिक, किसान, किसानों से जुड़े हुए जो देश भर के संगठन है वो, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे जो कृषि के अर्थशास्त्री हैं उनको, उस तरह के विद्वानों को बुला के दिल्ली में एक संगोष्ठी, गुरुदेव जब आज्ञा करेंगे, अगर अप्रैल हो तो बहुत अच्छा रहे, या बाकी आप जैसा कहेंगे अप्रैल में मई में एक संगोष्ठी, और उसका ग्रंथ का विमोचन हम लोग दिल्ली में करें, ताकि पूरे देश में हम शासन तंत्र के सामने और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके सामने, जो संगठन करने वाले हैं उनके सामने, और आम किसान के सामने एक हम प्रस्तुत कर सकें ग्रंथ की, जहां से वो मार्गदर्शन ले सकें। बेशक हमारे मठ से ना जुड़े हुए हों, गुरुदेव से ना जुड़े हुए हों, लेकिन वो अगर संदर्भ देखना चाहें तो ग्रंथ उनको संदर्भ के रूप में उपलब्ध हो कि हमारे कृषि की शासन व्यवस्था, शासन जो व्यवस्था है वो कैसी है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इतना ही मुझे कहना है। मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए अपना कर्तव्य समाप्त करता हूँ।